लगभग दो महीने बाद राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही देखिए प्रदेश कार्यालय किस तरह से जगमगा उठा है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते साथ ही देखिए किस तरह से लगातार उनका स्वागत किया गया। तमाम जो है राजद के कार्यकर्ता हों या फिर नेता के द्वारा, वह अभी हम मौजूद हैं राजद के प्रदेश कार्यालय पटना में, जहां पर देख सकते हैं ये पटना का प्रदेश कार्यालय है, जहां पर जगमग जगमग कर रहा है। लग रहा है जैसे जश्न का माहौल हो, दीपावली का समय हो, ऐसे दीपावली के तरह ही प्रदेश कार्यालय को पूरी तरीके से सजाया गया है। लालटेन के जो तस्वीर है, लालटेन का जो भव्य देखिए किस तरह से भव्यता बाहर निकल दिख रही है आपको, किस तरह से लौ जल रही है लालटेन की, तमाम जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। राजद का प्रदेश कार्यालय पटना का है। लालू आते साथ ही राजद का कार्यालय जगमगा उठा है, दीपावली के तरह जगमगा रहा है। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो दिन भर आज लालू के स्वागत में लगे रहे। लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचे हैं तो उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर भीड़ उमड़ गई। ऐसे में देखिए अब मौजूद हैं हम पटना के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर जगमग जगमग कर रहा है, हरियाली चारों तरफ है, जो लालटेन का लौ है वो जल रहा है। लालू जो हरा का प्रतीक कहा जा रहा है, हरा जो कलर है उससे पूरा देखिए जगमग जगमग कर रहा है, पूरा रंगो रोशन किया गया है, लाइट लगाया गया है। और देखिए उम्मीद और भरोसा का जो तेजस्वी यादव के जो ये पोस्टर बैनर है पूरा देखिए किस तरीके से सजाया गया है। सो साफ तौर पे तस्वीरें राजद के प्रदेश कार्यालय से निकल करके सामने आ रही है। हम कुछ यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है, किस तरह से उनकी तैयारी की गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतू कुमार यादव हुआ। ये बताइए कि आज लालू यादव के आने पर पूरा पार्टी कार्यालय जगमगा रहा है। एकदम पूरा बिहार के जनता, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों का धड़कन, आदरणीय लालू प्रसाद जी का आने का खबर सुनते ही पार्टी ये तो कार्यालय जगमगा रही है ना। यहाँ हृदय से कार्यकर्ता को जो है जाग उठा है और काफ़ी दिनों से इंतजार था। लालू जी बीमार हैं, उनका चेहरा देखने के लिए हम लोग बेचैन थे, क्योंकि हम लोग एक इधर क्षेत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे, दिल्ली जाने में काफ़ी हम लोगों को मुसीबत होता था, इसीलिए हम लोग बेचैन है। हो सकता है कि परसों इतना भीड़ जुमेगा कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि 10 तारीख को राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव समेत राजद के वरिष्ठ नेता, जो राष्ट्र स्तर के नेता हैं, वो पटना पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजद के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी पटना होटल मौर्या में ये बैठक होनी है, वहां पर तैयारी की गई है। और देखिए हम वो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि बीते दिनों से लगातार सुर्खियों में है। लालू प्रसाद यादव आए थे और इसका उद्घाटन किए थे राजद के प्रदेश कार्यालय प्रांगण में। ये इतना 6 टन का ये लालटेन है, भव्यता दिख रही है। आपको बता दें कि हमारे साथ अरुण जी हैं जो कि राजद के प्रवक्ता भी हैं। अरुण जी ये बताइए कैसा लग रहा है, आपके नेता पटना पहुंच गए हैं, पूरा कार्यालय जगमग जगमग कर रहा है दीपावली जैसा। लालू जी जब पहुंचते हैं तो पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में, बिहार के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वही नई ऊर्जा की संचार सभी कार्यकर्ताओं में है और लोगों में है कि हमारे नेता घर आए। ये उनका घर है अपना, घर पर लोग आते हैं तो सब परिवार के लोग कैसे खुश होते हैं। कोई बेटा अगर बाहर में रह रहा है, आए तो सब लोग खुश हो गए कि अरे आ गए भाई। तो उसी प्रकार से हमारे गार्जियन हैं लालू जी, और लालू जी घर पर आए हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं और उनके स्वागत में हम लोग देखिए सब सजा उजा करके रखे हैं पूरा। और ये 10 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो जो लोग आएंगे पूरे देश से, पूरे देश के हर एक राज्य से, जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है, वहाँ का कार्यकारिणी का सदस्य है, वो लोग आएंगे, उनके स्वागत के लिए पूरा पटना को सजा दिया गया है। तो बिल्कुल साफ तौर पे यह स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से तैयारी की जा रही है इससे पूरे देश के कार्यकर्ता नजर आएंगे राजद कार्यालय में हो या फिर पूरा पटना में हो, क्योंकि राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होना है। इसमें देश भर के नेता मौजूद रहेंगे, अलग अलग राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में बड़ा आयोजन होने वाला है राजद में और ये बड़ा दिन कहा जा रहा है। देखें आपको फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजद का, ये प्रांगण है राजद के ऑफिस में। देखिए तमाम जो लाइटें लगाई गई है कितनी खूबसूरत लग रही है, लालू प्रसाद यादव के आने की खुशी में है। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है उसको लेकर के पूरा जो कार्यालय है जगमग कर रहा है अभी। देखिए और लाइटिंग लगी रही है, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो लाइट लगा रहे हैं और जब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ और नज़र सामने आता है। हालांकि अभी देखिए दुल्हन जैसा ये कार्यालय पूरी तरीके से सज चुका है, जिस तरीके से दीपावली में सजाया जाता है उसी तरीके से देखिए फिर से रोशन हो रहा है राजद का कार्यालय, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पटना लौटे हैं, पटना पहुँचे हैं और उनके तैयारी में लगातार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। उनसे मिलने के लिए हुजूम भीड़ लगा था पटना एयरपोर्ट से लेकर के रावरी आवास तक। ऐसे में तमाम जो तस्वीरें हैं ये प्रदेश कार्यालय पटना का है। हम किसी तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तस्वीरें आप देखिए।